नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका S4SSC में। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रों के विषय में पढ़ेंगे। इसमें जो सारे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं जो कि प्रमुख है। तो पहला है काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। काराकोरम दर्रा हो गया, जोजीला दर्रा, बुरजील दर्रा, इसके बाद देखिए बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और काराकोरम दर्रा के बारे में देखिए, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5,624 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यहाँ से चीन, इससे चीन नहीं है, से अलग है, चीन अलग है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई जा रही है, ठीक है। दूसरा देखिए जोजीला दर्रा, ठीक है। जोजीला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है और इसके बारे में कुछ विशेष बातें देखते हैं। इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। देखिए जोजीला दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा भी है जम्मू कश्मीर में है, ये पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद देखिए बनिहाल, सॉरी बुरजील दर्रा, देखिए ये श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। बुरजील दर्रा जो है ये श्रीनगर से गिलगिट जो है जो जम्मू कश्मीर में ही है उसे जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा के बारे में देखिए, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग जो है बनिहाल दर्रा से गुजरता है और जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में स्थित है। ये देखिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो ये बनिहाल दर्रे में है जवाहर सुरंग, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखिए सिपकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा, सबसे पहले आप ये याद रखिए। उसके बाद देखिए शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, क्या? सिपकीला दर्रा जो है ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। देखिए सिपकीला दर्रा जो है ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। देखिए नदी भी याद रखिए और कौन से राज्य में, ये रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा राज्य में है कौन सा दर्रा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है सिपकीला दर्रा, ठीक है। और ये दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। इसके साथ ही इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है और बड़ा लाचा दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे देखते हैं। उत्तराखंड में देखिए माना दर्रा है, इसके बाद में देखती इसके बाद भी उत्तराखंड में माना दर्रा है, लिपुलेखा दर्रा है और नीति दर्रा है। देखिए उत्तराखंड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में, ठीक है। सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जयलेपला दर्रा है। जयलेपला दर्रा के बारे में देखिए, इस सॉरी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसका निर्माण जो है तीस्ता नदी द्वारा हुआ। इस दर्रे का निर्माण, धरती गलती से लिखा गया है, इस दर्रे का निर्माण जो है तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। कौन सा? जयलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। आगे देखते हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं बॉम डीला दर्रा, ठीक है। यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और यांगयाप दर्रे की देखिए यांगयाप दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और देखिए अरुणाचल प्रदेश में तीसरा दर्रा देखिए इम्पोर्टेंट दीफू दर्रा है, ये मणिपुर के प्रमुख दर्रा इसके बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में बॉम डीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा प्रमुख है, ठीक है। मणिपुर के फिर से देखते हैं, मणिपुर में कौन से इम्पोर्टेंट दर्रे हैं? तुजू दर्रा देखिए मणिपुर में है, ठीक है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो जल्दी से मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिए और नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।